नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। आगरा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कंप्लीट टूर गाइड देने वाले हैं कि आगरा में आप ताजमहल के साथ साथ और क्या क्या देख सकते हैं। सभी चीजों के टिकट प्राइसेस आपको बताएंगे, ताजमहल से सभी जगहों का डिस्टेंस कितना है ये आपको बताएंगे, बेस्ट टाइम बेस्ट सीजन कौन सा है यहाँ पर विजिट करने का ये आपको बताएंगे, और पूरे ट्रिप के दौरान आपको कितने दिन का समय लगेगा, एक दिन लगेगा, दो दिन लगेगा ये आपको बताएंगे, कितना आपको बजट यहाँ पर घूमने का लगेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहिए। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं आगरा। ताजमहल में एंट्री करने से पहले आपको एंट्री टिकट लेना पड़ता है। यहाँ पर टिकट विंडो है जो कि सुबह 6 बजे से ही ओपन हो जाती है। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपको भीड़ का सामना नहीं करना है, लंबी लाइन का सामना नहीं करना है, तो सुबह सुबह आप यहाँ पर आ जाइए। कुछ इस तरह के टिकट्स आपको मिलेंगे और इस तरह के कॉइन्स है जिससे आपको एंट्री दी जाती है। अभी आप देख रहे हैं सुबह का नज़ारा, सुबह 6 बजे है, अभी अंधेरा हो रहा है, उजाला तक नहीं हुआ है और यहाँ पर लाइन लगना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर कुछ इस तरह से टिकट चेक करने के बाद एंट्री दी जाती है। अगर आपके पास किसी बड़े साइज का बैग है तो यहाँ पर क्लॉक रूम में आपको ये बैग्स डिपॉजिट करवाने होते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अंदर अलाउड नहीं है, उन्हें भी आप साथ में नहीं ले जा सकते, तो आप बैग में रख कर उन चीज़ों को यहाँ पर डिपॉजिट करा सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो अब हम जिस द्वार के आगे खड़े हुए हैं, ये है दरवाजे रोजा, जो कि ताजमहल का मुख्य एंट्री गेट है। दरवाजे रोजा से जब आप एंट्री करेंगे तो ताजमहल आपको बिल्कुल सामने नजर आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ताजमहल बहुत ही शानदार यहाँ से नजर आ रहा है और काफी बड़ा ये नजर आ रहा है। दरवाजे रोजा से एक स्पेशल इफेक्ट है, ताजमहल आपको बड़ा ही नजर आएगा यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे आप पास जाते जाएंगे ताजमहल आपको छोटा नजर आता जाएगा। मतलब आप दूर से देखेंगे तो बड़ा है, अगर पास जाते जाएंगे तो इसका साइज छोटा होता जाएगा। देखिए एक्चुअल में अब यहाँ से छोटा नजर आ रहा है। यह है ताजमहल और अभी सनराइज हो रहा है। यहाँ पर काफी खूबसूरत सा नजारा नजर आ रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ताजमहल के पास कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे। ये जो पहला स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं, ये एक मस्जिद है। मस्जिद के अंदर से जब आप डोर से बाहर देखेंगे तो ताजमहल का कुछ इस तरह का नजारा आपको नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ताजमहल कुछ इस तरह का नजर आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा पानी गिराकर अगर आप फोटोग्राफी खींचते हैं तो यहाँ पर ताजमहल की परछाई आपको फ्लोर पर नजर आएगी। ताजमहल में एंट्री करने का शुल्क है 50 रुपीज पर पर्सन का, यानी कि 50 रुपए प्रति व्यक्ति का, लेकिन ये टिकट सिर्फ कंपाउंड का है, आप ऊपर नहीं जा सकते इस टिकट में। अगर आपको ऊपर जाना हो तो उसका 200 रुपीज चार्ज अलग से लगता है, जो कि आपको यहाँ से लेना पड़ता है। यहाँ पर आपको एक चौकी नजर आ रही होगी, यहाँ से एंट्री लेकर ये जो लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, कि यहाँ से ऊपर की ओर आपको जाना पड़ता है, जहाँ पर है शाहजहाँ और मुमताज की कब्र, यानी कि द टॉम्ब ऑफ शाहजहाँ एंड मुमताज। तो अब यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ ताजमहल के ऊपर वाली साइड में। ये ताजमहल का फ्रंट एरिया है जहाँ से अब हम प्रवेश करेंगे अंदर की ओर। ये एरिया है, ये गेट है, इसके अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आपको अंदर का मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन यहाँ ऊपर आकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ से आपको पूरा सामने का नज़ारा दिखाई देगा। वैसे अभी सुबह का टाइम है, 6 बजे के बाद का ही कुछ टाइम है, तो यहाँ पर फॉग हो रहा है क्योंकि यमुना पीछे बहती है और नदी की वजह से फॉग थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। ताजमहल के ऊपर आपको कुछ इस तरह के शू कवर परचेज करने पड़ते हैं, जो कि 10 रुपीज के यहाँ पर लोकल वेंडर से आप खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर ताजमहल के खुलने और बंद होने के टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 बजे ताजमहल ओपन हो जाता है, आप एंट्री टिकट यहाँ से परचेज कर सकते हैं, और शाम को जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक ये ओपन रहता है। और एक और स्पेशल चीज, आप यहाँ पर पूर्णिमा के दिन भी आ सकते हैं, यानी कि फुल मून डे के दिन भी आ सकते हैं। फुल मून डे का यहाँ का टाइमिंग थोड़ा सा अलग है, शाम को 8:30 से 12:30 बजे तक ये खुला रहता है, क्योंकि रात्रि के समय ताजमहल का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। ताजमहल उस दिन सुनहरा नजर आता है।
ताजमहल को घूमने के लिए आपको लगभग 1 से 2 घंटा लग सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर और भी इंजॉय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर और भी टाइम तक रुक सकते हैं। यहाँ पर एक बेस्ट पिक्चर पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ताजमहल के, जहाँ से आप बेस्ट पिक्चर्स ले सकते हैं। ये एक तो चबूतरा टाइप का बनाया गया है, एक स्क्वायर बेस है जो कि ताजमहल के जस्ट सामने है, बिल्कुल सिमेट्रिकल, जो ज्योमेट्रिकल सिमेट्री है। यहाँ से आप बिल्कुल ताजमहल का बहुत अच्छा व्यू ले सकते हैं और यहाँ से पिक्चर्स बहुत अच्छे आते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप आगरा में आना चाहते हैं, अगर आप ताजमहल देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर किस तरह से आप आ सकते हैं। यहाँ पर बस की फैसिलिटी है, यहाँ पर ट्रेन की फैसिलिटी है, यहाँ पर एयरपोर्ट भी है, आप किसी भी साधन से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि आगरा का जो ताजमहल है, इसका आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बहुत ही पास में, बड़ी आसानी से आप ऑटो रिक्शा से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बेस्ट मंथ टू विजिट ताजमहल, ताजमहल में आप कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ फ्राइडे ऑफ रहता है, यानी कि शुक्रवार के दिन आप यहाँ पर ना आए, बाकी आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। और प्रेफरेबल मंथ की अगर मैं बात करूँ तो अक्टूबर से लेकर आप मार्च तक यहाँ पर बेस्ट टाइम रहेगा, क्योंकि ठंडा ही रहती है। वैसे आप साल में कभी भी आ सकते हैं, अगर आप गर्मी के टाइम पर आते हैं तो सुबह सुबह आए, ताकि आपको ज्यादा गर्मी भी न लगे और ज्यादा क्राउड भी यहाँ पर न हो। अभी ये सुबह के 9 बजे है, टूरिस्ट की लाइन बहुत लंबी यहाँ पर लग चुकी है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जितनी देर बाद आप आएंगे यहाँ पर उतना ही क्राउड आपको मिलेगा। मेन रोड से ताजमहल के वेस्टर्न गेट का डिस्टेंस है लगभग 0.5 किलोमीटर का, जो कि एक पब्लिक गार्डन से होकर गुजरता है। यहाँ से अभी हम ताजमहल पर खड़े हुए हैं, और यहाँ से अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको नजर आएगा मेहताब बाग, जो कि यमुना के जस्ट पार है। लेकिन अगर आप घूम के जाते हैं तो इसका 6 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस पड़ता है, 6 से 6.5 किलोमीटर, क्योंकि यमुना पार करके आपको जाना पड़ता है एक दूसरे रास्ते से। मेहताब बाग एक गार्डन है जो कि टूरिस्ट के लिए सुबह से शाम तक ओपन रहता है। यहाँ का एंट्री शुल्क है 25 रुपीज़ पर पर्सन का, यानी कि 25 रुपये का यहाँ का एंट्री शुल्क है। और ये जगह कपल्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा प्राइवेट स्पेस मिल जाता है और यहाँ से ताज का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है बैक साइड से। मेहताब बाग में आप ऑटो रिक्शा या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आसानी से पहुँच सकते हैं। अगला स्थान जो आपको आगरा में जरूर देखना चाहिए वो है आगरा फोर्ट। हाय सर, मेरा नाम वीरेंद्र है और आगरा फोर्ट में आपका स्वागत है। ये जो देख रहे हैं ये आगरा फोर्ट है, रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर में, जब बादशाह शाहजहां ने बिल्ड किया था। इस फोर्ट की स्टार्टिंग की थी 3rd Emperor अकबर ने। अकबर ने इस फोर्ट की स्टार्टिंग की थी 1565 के अंदर में, और 1660 के अंदर में बन के पूरा रेडी हुआ है। यहाँ क्लैप करेंगे आप लोग, इको साउंड हो रहा है वो इसलिए, एक्चुअल में दोनों वॉल हॉलो है, इनको हॉलो बनाया गया वो इसलिए सर, अगर तीनों ही गेट क्रॉस करके जो एनिमल्स यहाँ तक आते थे तो उनके घोड़ों के पैरों की साउंड होती थी, जैसे घोड़ों की साउंड होती है टक टक आवाज़, वैसे ही साउंड होती थी। आर्मी पूरी अलर्ट होती थी यहाँ पर भी, ऊपर भी आप देखें वहाँ पर जो आर्च बने, वहाँ पर जो सोल्जर्स खड़े रहते थे प्रोटेक्शन के लिए, तलवार भाले से वहाँ से अटैक किया करते थे। ऊपर से बड़े बड़े स्टोन के बाउल जो डाउन किए जाते थे, रोल पत्थर के रोल, उनको डाउन किया जाता था। मान लीजिए वो दीवारों का सहारा लेते थे तो एक साइड से हॉट वाटर एंड हॉट ऑयल, यानी कि गर्म तेल गर्म पानी डाला जाता था, फिसल के गिर जाया करते थे, जल जाया करते थे। हाँ, ये ब्लैक मार्क देख रहे हैं, मगर अभी ये वाटर के नॉर्मल जो पानी अभी बारिश होती है, मैं उस टाइम में जो हॉट ऑयल एंड हॉट वाटर। तो ये जो पैलेस आप देख रहे हैं, इस पैलेस को पूरा जहांगीरी पैलेस कहा जाता है, मगर इस पैलेस को औरंग महल भी कहते हैं। वो इसलिए वोकल पीरियड टाइम के अंदर में, जैसे अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाही, उन्हीं धर्मों से रिलेटेड हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कोई भी फेस्टिवल होते थे, होली दिवाली ईद वगैरह, तो यहाँ पर डांसिंग प्रोग्राम होता था, जैसे कि उस टाइम का मुजरा कहा जाता था। अभी हम चल रहे सर लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ जहांगीर जो पढ़ाई किया करते थे, पेंटिंग का बहुत शौक था, पढ़ाई का भी काफ़ी शौक था, और कम से कम 7 लैंग्वेज जानते थे वो, मतलब हिंदू लैंग्वेज के अलावा और मुस्लिम लैंग्वेज के अलावा, और उनको भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है। नहीं, इनकी पूरी लाइब्रेरी आप देखेंगे, मगर 450 साल हो गए, बिल्डिंग ख़राब हो गई है, मगर यहाँ पर देखेंगे कुछ पेंटिंग यहाँ पर बाकी रह गई है सर, क्लोज करके दिखाएंगे। मगर ये जो पेंटिंग है, इनमें कुछ पेंटिंग जो गोल्ड की भी है सर, जी सर, जो कि गोल्ड की पेंटिंग बनाई है। हाँ, सोना भी लगा हुआ है, असली सोना है ये, रियल गोल्ड, ये देखेंगे येलो येलो शाइन कर रहा सर, ये रियल गोल्ड है सर।
जैसे मैंने आपको बताया, दीवारों के कान स्लो बोलिए कुछ सुन लेगा, एक कहावत है, मगर यहाँ पर हकीकत है सर। तो आप चेक करेंगे आंटी के साथ में, आएंगे भैया इधर, यहाँ से बोलेंगे, ठीक है ना, जैसे सुनेंगे ऐसे कान, मतलब इसी पोजीशन में खड़ा होना जैसे मैं खड़ा हूँ, ऐसे बात करना आंटी से, आएंगे आप आएंगे। वाओ, पूरी आवाज आ रही है घूम कर मैम धीमे। हेलो भी आवाज आ रही है? हाँ आपकी भी क्लियर आ रही है। साहब ने आप लोग जो विंडो देख रहे हैं ये ओपन है, क्लोज है? क्लोज है ना, तो मैं कौन वहाँ से डालूंगा आप देखिएगा, ओके। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि विंडो क्लोज है, मगर कॉइन वहाँ से आ गया क्योंकि अंदर से ओपन है सर। अच्छा। हाँ जी सर, आ जाएंगे अंदर से। ये देखेंगे सर, ओपन ऐसी है यार। हाँ, तो ये जो गार्डन देखे हैं अभी जो नॉर्मल गार्डन है, उस टाइम के अंदर ग्रेप्स गार्डन होता था सर। ग्रेप्स, हाँ, अंगूरी बाग, अंगूरी बाग, यहाँ पर अंगूर उगाए जाते थे। अब अंगूर तो हर जगह उगते नहीं है, तो उसके लिए लाल मिट्टी जो कश्मीर से मंगाई गई, जो उनकी दासियाँ हुआ करती थी, यहाँ पर खेती किया करती थी अंगूरों की। तो अंगूरों के अंगूरों से बनती है वाइन। जहांगीर को वाइन पीने का काफ़ी शौक़ था, बाहर तो कोई शॉप होती नहीं थी सर, तो इसलिए अंगूरों से वाइन बनाकर जहांगीर के लिए सर्व किया करती थी उनकी दासियाँ। शीश महल चल रहे हैं सर हम लोग, जो मुमताज का शाही हमाम है। तो यहाँ पर एक कैंडल जलाएंगे, हज़ारों में जो कैंडल दिखाई देंगे। हाँ, उस टाइम के अंदर में जब कैंडल जलाने पर ये केरोसिन टॉर्च मशाल जलाते थे, जब रिफ्लेक्शन होता था तो मुमताज का ऐसे सारे शीशों में जो मुमताज दिखाई देती थी हज़ारों में सर। ये जो बिल्डिंग दिख रहे हैं सर, ये वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत जेल है, अगर जेल का खिताब दिया जाए तो। तो एक्चुअल में एक रूम है जिसको मुसम्मन बुर्ज, शाहबुर्ज एंड जैस्मिन टावर कहा जाता था। तो ये पहले जो बना हुआ है, यहीं पर ही औरंगज़ेब ने अपने फादर को नज़रबंद किया। 1658 से लेकर 1666 तक शाहजहाँ यहीं कैद रहे। उसका एक रीज़न था सर कि शाहजहाँ जो एक और ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे। आपने सुना होगा, कभी पढ़ा भी होगा सर। तो आपने ताजमहल देखा जो बैक साइड है यमुना रिवर पार, वहाँ पर एक गार्डन है मेहताब गार्डन, वहाँ बनाना चाहते थे, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। वो इसलिए सर कि इस औरंगज़ेब नहीं चाहते थे कि एक ब्लैक ताजमहल बने। ये अंडरग्राउंड टनल है, अंडरग्राउंड टनल है, हाँ, जो मैंने आपको बताया। तो ये है अंडरग्राउंड टनल, जो कि मुग़ल लोग यहाँ से यूज़ करते थे। चौथा गेट है वाटर गेट, जो है यहाँ से आने जाने का रास्ता है। और भी इसके अलावा भी काफ़ी सीक्रेट रास्ते और जगह से भी दिए गए, और यहीं से शाहजहाँ के बॉडी को ले जाया गया। ये जो देख रहे हैं, ये दोनों थ्रोन रखे हैं सर, वो जहांगीर का सिंहासन है। हाँ, ये जहांगीर का सिंहासन है, और ये उनके बेटे शाहजहाँ का सर, शाहजहाँ। शाहजहाँ से पहले उनके मिनिस्टर भी यहाँ बैठते थे, ठीक है ना, मिनिस्टर वगैरह भी बैठे थे, शाहजहाँ भी बैठते थे। तो ये जहांगीर का स्पेशल है सर। आपने मीना बाज़ार का नाम सुना होगा सर? मीना बाज़ार जो है मुग़ल टाइम से ही फेमस हुआ। हाँ, मुग़ल टाइम से मीना नॉर्मल एक लेडीज़ का नाम है सर, ऐसा नहीं कोई स्पेशल नहीं है। तो मीना एक लेडीज़ का नाम है, मीना बाज़ार लगता है महीने में एक बार। काफ़ी बेशकीमती चीज़ें लेकर सौदागर लोग आया करते थे बाहर से। फोर्ट में कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि प्रोहिबिटेड है, आप इन चीज़ों को अंदर नहीं ले जा सकते। अगर आप ऐसी चीज़ें कुछ भी लाते हैं तो यहाँ पर क्लॉक रूम में आप जमा करवा सकते हैं, कुछ भी बैग वगैरह है तो उसे भी यहाँ पर जमा करवा सकते हैं, सिर्फ 10 रुपीज़ का चार्ज लगता है। आगरा फोर्ट का एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, और इस किले को अच्छे से देखने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। सैटरडे संडे को यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, तो भीड़ से बचने के लिए आप अन्य वीकडेज में यहाँ पर आ सकते हैं। आगरा फोर्ट पूरे दिन ओपन रहता है फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, और यहाँ पर 15 साल से कम के बच्चे का एंट्री टिकट नहीं लगता, एंट्री फ्री है। आगरा फोर्ट का ताजमहल से डिस्टेंस है लगभग 3 किलोमीटर का, और यहाँ तक आप किसी भी ऑटो रिक्शा या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके पहुँच सकते हैं। अगला स्थान जो आपको आगरा ट्रिप के दौरान मस्ट एक्सप्लोर करना चाहिए वो है फतेहपुर सीकरी। यहाँ देखने के लिए दो जगह हैं, टू प्लेस, फतेहपुर सीकरी जी। सीकरी अलग है, फतेहपुर अलग है जी। ये पूरा सीकरी है जी। यहाँ राजा अकबर, उनके रानियों के महल हैं,
जोधा बाई का महल, रानी मरियम का महल, रुकैया बेगम का महल, बीरबल का पैलेस है, राजा अकबर का महल है, पंच महल है, तानसेन के गाने की जगह है, सारे जो महल हैं वो सीकरी के अंदर हैं। फतेहपुर जो है एक रिलीजियस पार्ट है, होली प्लेस, जहाँ बुलंद दरवाज़ा है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। वहाँ एक पीर बाबा की दरगाह है, पीर बाबा का नाम है सलीम चिश्ती। जो राजा के 9 मिनिस्टर थे ना, 9 रतन, उनमें से एक बीरबल थे। बीरबल राजा के बहुत करीब रहते थे, एडवाइजर मिनिस्टर थे उनके, सलागीर मंत्री थे। ये सामने वह महल जो है, मगर बीरबल महल अभी कहते हैं इसको जो है। ये महल बीरबल से पहले राजा की एक रानी और थी जिनका नाम था ना सलीमा बेगम। सलीमा बेगम जो है यहाँ रहती थी जो है। ये पंचमहल है, 176 पिलर हैं, 176। तो इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ 84 हैं, 84, उसके बाद में 56 हैं, 56, 20, 20, 12, 4, टोटल 176, 176। अभी हम चलते हैं आपको जो है दीवान ख़ास दिखाते हैं। दीवान ख़ास यानी कि ख़ास महल, अकबर राजा उनके जो 9 मिनिस्टर थे ना, 9 रतन, जिनका नाम बीरबल था, तानसेन था, मानसिंह था, अब्दुल फजल फैजी था, मुल्ला दो प्याजा था, रहीम खाने खाना था, भगवान दास, हकीम हम्माम, तो ये बैठकर यहाँ राजा के साथ डिस्कस करते थे मीटिंग। ये दीवान ख़ास था, राजा अकबर बीच में बैठते थे वहाँ इसके ऊपर टॉप, और वहाँ बगली से उनके 9 रतन बैठते थे मंत्री लोग। मंत्रियों का नाम बीरबल, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल फजल फैजी, मुल्ला दो प्याजा, रहीम खाने खाना, भगवान दास, हकीम हम्माम, वो लोग भी ऊपर ही बैठते थे जो है। ऊपर जाने के रास्ते जहाँ से थे, सामने से जो दिख रहे हैं आपको, और यहाँ बैठकर राजा अकबर ने एक नए धर्म की शुरुआत की थी जिसका नाम रखा था दीन ए इलाही। यानी राजा अकबर मुगलों में एक ऐसे राजा थे, सभी धर्म को फॉलो करते थे, किसी भी धर्म से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अकबर द ग्रेट। तो इसलिए ये जो पिलर है, इस पिलर के ऊपर सभी धर्मों के सिंबल हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। अभी ये जो तालाब है पीछे, करीब से देखिएगा, राजा अकबर के टाइम में इसके अंदर गुलाब जल का पानी रहता था, रोज़ वाटर, यानी गुलाब की पत्तियां डाल दी, खुशबू कर दी, रोज़ वाटर हो गया वो। तो राजा के 9 रतन थे ना, 9 मिनिस्टर, उनमें से एक तानसेन थे। तानसेन बहुत ही अच्छे सिंगर, फेमस गाने वाले थे, वहाँ बीच में बैठकर गाते थे, बीच वाली जगह पर। तो एक बार उन्होंने बैठकर जहाँ गाया था दीपक राग, उनके गाने से दीप जल गए। बैजू बाबरा ने मेघ मल्हार गा दिया, बारिश हो गई। राजा रानी जो फ्लोर है सामने ऊपर, वहाँ बैठते थे, तानसेन यहाँ गाते थे। तो ये तानसेन के गाने की जगह, इसको चार चमन भी कहते हैं, क्योंकि इसके आने जाने के चार रास्ते हैं, और चमन के मायने सुंदर जगह, ब्यूटीफुल प्लेस। ये देखिएगा सामने बना हुआ है प्योर वेजिटेरियन किचन, रसोई, यहाँ महारानी जोधा के लिए खाना बनता था जो है। ये देखिएगा जोधा बाई रसोई, और रुकैया बेगम, सलीमा बेगम सभी के लिए वहाँ बनाया था सामने जो है, उनके लिए नॉन वेज किचन थी सामने, जो बंद है अभी। और ये रानियों के रास्ते थे ऊपर जाने के लिए, जो बंद कर दिए गए हैं अभी। और ये पर्शियन डिज़ाइन है, ये पर्शियन डिज़ाइन ताजमहल के अंदर भी है, मगर ताजमहल के अंदर भी यहीं से देखकर वहाँ पर बनाया जो है, क्योंकि ताजमहल 100 साल के बाद बना है, फतेहपुर सीकरी 100 साल पहले बनाया है। ये पूरा फतेहपुर सीकरी राजा अकबर ने बनाया था, और उनके पोते शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया, तो इसलिए बहुत फ़र्क है। और जितना भी ताजमहल के अंदर जो कार्विंग है, डिज़ाइन है, मीनार हैं, ये सब सारी इमारतों से ली गई, क्योंकि हुमायूं टूम है दिल्ली के अंदर, अगर उसकी मीनार हटा दी जाए तो बिल्कुल जो है उस पर मीनार रख दी जाए ताजमहल बन जाएगा वो। तो फतेहपुर सीकरी से कहीं से डोम का आर्किटेक्चर लिया, कहीं से मीनारों का लिया, सिकंदरे से लिया, सभी जगह से थोड़ा थोड़ा करके ताज के अंदर लगा दिया, उसको ताजमहल बना दिया। अभी हम महारानी जोधा के महल में जाते हैं, मलकाए हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान की मलका, इनको बनाया राजा अकबर ने, क्योंकि इन्हीं से बच्चा पैदा हुआ था जहांगीर, जो हिंदुस्तान का राजा बनाया। मरियम अफ जवानी भी है, हाँ, इन्हीं को मरियम अफ जवानी कहते हैं। ये महल है देखिएगा, सबसे बड़ा महल महारानी जोधा का है। अभी हम बीच में चलते हैं, यहाँ तुलसी का पौधा था राजा अकबर के टाइम में, ये सामने है, अभी दूसरा पेड़ है, ये दूसरा पौधा है, राजा के टाइम में तुलसी थी यहाँ पर। तो यहाँ राजा अकबर ने रानी जोधा के लिए दो महल बनाए थे, ये उनका गर्मी में रहने का महल था,
उनका समर पैलेस था ये, और पीछे सर्दी वाला विंटर पैलेस। मगर ये देखने में दोनों एक से हैं। गर्मी के महल के पीछे जो है जालियां हैं, खिड़कियां हैं, हवा के लिए वेंटिलेशन था। ये आपको खिड़की दिखती है, देखिएगा पीछे से, जो पूरा जाली से बना हुआ है। इसके पीछे राजा अकबर ने एक नदी बनाई थी जिसका नाम था मोती झील आर्टिफिशियल लेक, तो उधर से ठंडी हवाएं आती थी इसलिए ये ठंडा रहता था। ये उनका समर पैलेस था। विंटर पैलेस बिल्कुल बंद है, उसमें कोई जाली नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, बिल्कुल पैक है, क्लोज है, बंद है वो, इसलिए वो सर्दी के लिए था। जो ये ऊपर जाने के रास्ते थे जो बंद कर दिए गए, और ये छोटे छोटे जो कमरे हैं चारों तरफ, ये उनकी दासियों के लिए थे, नौकरों के लिए। ये बिल्कुल महारानी जोधा का हरम था, बिल्कुल इसी को कहते हैं पर्दा सिस्टम, जहाँ ज़्यादा लेडीज़ें रहती हैं, दासियाँ रहती हैं, वही हरम होता है। और ये सामने उनका कृष्णा मंदिर था, यहाँ कृष्णा जी की पूजा होती थी। जो है अभी जो है मूर्ति वगैरह नहीं है, खाली मंदिर है। तो अभी हमने देखा सीकरी, अब हम आ चुके हैं फतेहपुर में, जो कि जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर है, बहुत ही पास में है, हम जस्ट पैदल पहुंच सकते हैं सीकरी से फतेहपुर तक। फतेहपुर में किसी तरह का एंट्री शुल्क नहीं है। सीकरी में जहां पर सभी पैलेस वगैरह बने हुए हैं जो कि अभी हमने देखे, वहां का एंट्री शुल्क लगता है। वहां का एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, 50 रुपये प्रति व्यक्ति का। बुलन दरवाजा, यू लाइक पब्लिक एंट्रेंस, बुलन के माने ऊंचा, बिग दरवाजा माने गेट। इसका हाइट यहाँ से ऊपर टॉप 176 फीट का हाइट है, यू लाइक 176 रोड से टॉप। अच्छा, फुल हाइट वो लोग खड़ा है, वहाँ से हाइट ऊपर टॉप 134 फुट का है, 134 फीट टोटल हाइट है, 54 मीटर इस गेट। ये बनाया पब्लिक के लिए, अंदर एम्टी पूरा खाली हालो है, सपोर्ट वाइज पिलर्स, पूरे बिल्डिंग पिलर पर खड़ा हुआ जैसे एम्टी, पूरा खाली अंदर में। और चौड़ाई इसकी 90 फीट की, 90 फीट आर्च इस गेट, 90 फीट चौड़ा कमान, 90 फीट। वर्ल्ड में इससे चौड़ा नहीं है, एशिया में इससे ऊंचा नहीं है, मतलब ये सबसे ऊंचा है वर्ल्ड में, चौड़ा नहीं। अच्छा। इस गेट एशिया में ऊंचा नहीं है कहीं भी। अच्छा। इसका फेस जो लुक है वो दक्षिण के तरफ है, साउथ। ये अकबर ने क्यों बने, जंग हुई थी फाइट, इसको लड़ाई बोलते हैं, खानदेश गुजरात, आपका नाम था चांदीपुर सुल्ताना, उसको हराया जो विक्ट्री गुजरात अकबर ने, वो जंग हुई थी, उनको हराने के बाद तब गेट बनाया। 16 से 1 में स्टार्टिंग किया, 16-2 में कम्प्लीट, ऑल 1 ईयर दिस गेट, इसको बनाने में 1 साल लगा। बुलंद गेट को ताजमहल देखा आपने, आगरा, ये लिखा हुआ है 3 साइड कुरान अरबी लैंग्वेज, इसका नकल ताजमहल में देखा। ताजमहल ब्लैक अक्षर में, ये वाइट में, वो बनाया शाहजहां ने, अकबर के पोते ग्रैंड सन्स, ये बनाया अकबर ने, इसका नकल वहाँ दिया गया है। और ये 9 दरवाजे 9 गेट्स हैं, अकबर के 9 मंत्री खड़े होते हैं, 9 मिनिस्टर, 3-6-3-9 उनके खड़ा होने की जगह है। ये लंगर खाना, ये नीचे से रास्ता है इसका, वह लोग खाना खाते थे मुगल टाइम अंदर की साइड। ये इस गेट को बोलते हैं बादशाही गेट, जो लाइक किंग्स गेट, शाही दरवाजा, किंग टाइम किंग एंट्रेंस, यानी कि अकबर फ्राइडे को आगरा से यहाँ प्रे करने आते थे, उस सामने जमा मस्जिद प्रे करने की जगह, जुमा मीन्स फ्राइडे, फ्राइडे मीन्स मॉस, अकबर आगरा से यहाँ प्रे करते थे हर जुमे के दिन। लाइक टनल सुरंग, आगरा जाता 40 किलोमीटर आगरा किले में, आगरा दिल्ली, दिल्ली से लाहौर, एक फिल्म बनाई थी मुगल आजम, तो अनारकली को चुनवाया गया था, इसमें चुना दिया गया, आगरा से निकाला गया था। यस, मैं आपको बताऊं, अकबर 3 वाइफ 360 गर्लफ्रेंड, अकबर अनारकली एक दासी की लड़की थी, नेशनल डांसर की, उनसे मोहब्बत करते, जहांगीर प्यार करते थे, अकबर को मालूम हुआ कि इसे लव करते हैं, उसने लोगों को बुलाया, दीवान खास के अंदर लोगों को बैठा ला, बात करी कि मैं अनारकली को चुनवाने वाला हूँ, गलत, उनको यहाँ से निकाला गया था, यहाँ से अंदर उनको ले गए थे, पहले निकाल दिया गया था, फिर दीवार चुनवा दी गई थी। ये लेडीज़ का दरवाज़ा मुगल टाइम, पहले औरतें जब आती थी यहाँ से झुक के अंदर जाया करती थी, और जेंट्स वहाँ जाया करते थे, अब तो क्लोज कर दिया तो लोग वन साइड से लुक जाते हैं। तो अभी हमने देखा फतेहपुर, इससे पहले देखा था सीकरी, इन दोनों स्थानों को मिलाकर बोला जाता है फतेहपुर सीकरी। इसका डिस्टेंस आगरा से लगभग 40 किलोमीटर का है। यहाँ पर आप बस से पहुँच सकते हैं, बस आपको आगरा के ईदगाह बस स्टैंड से मिलेगी। सीकरी टूरिस्ट के लिए सुबह से शाम 5 से 5:30 बजे तक खुला रहता है, यहाँ पर आप कभी भी आ सकते हैं। लेकिन बेस्ट मंथ रहेगा अक्टूबर से मार्च का, फतेहपुर सीकरी में आप 2.5 से 3 घंटे में आराम से घूम सकते हैं।
टिकट प्राइजेस के बारे में मैं दोबारा से बताना चाहूँगा। सीकरी में आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है, यानी कि आपको 50 रुपये का टिकट यहाँ पर परचेज करना पड़ता है एंट्री के लिए, जबकि फतेहपुर में किसी तरह का एंट्री टिकट नहीं है। आगरा में ताजमहल के अलावा आप देख सकते हैं सिकंदरा, जहाँ पर बादशाह अकबर और जोधाबाई का मकबरा है। यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ है कि जो अकबर का मकबरा है, अकबर ने अपने मृत्यु से पहले ही बनवाना शुरू कर दिया था, ताकि उनकी मृत्यु के बाद उनका मकबरा उसी जगह बनाया गया। लेकिन अकबर का मकबरा कंप्लीट तो हो नहीं पाया, अकबर की उससे पहले ही डेथ हो गई। 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी और उनकी जो मकबरा है उसी जगह बनाया गया, लेकिन उसका कंप्लीटेशन हुआ 1613 में। उनके बेटे जहांगीर ने उस जगह को कंप्लीट करवाया। ताजमहल से सिकंदरा का डिस्टेंस लगभग 16 से 17 किलोमीटर का है। यहाँ पर आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आसानी से पहुँच सकते हैं। सिकंदरा को घूमने में आपको आधा से एक घंटे का समय लगेगा। इसी के साथ आप आगरा में देख सकते हैं इत्मत-उद-दौला, जो कि छोटे ताजमहल यानी कि बेबी ताज के नाम से जाना जाता है। इत्मत-उद-दौला का डिस्टेंस ताजमहल से लगभग 5.5 किलोमीटर का है और यहाँ का टिकट प्राइस है 30 रुपीज़ पर पर्सन का। इस स्थान पर आप मेहताब बाग देखने के बाद भी आ सकते हैं। मेहताब बाग से इत्मत-उद-दौला का डिस्टेंस है लगभग 3 किलोमीटर का। यह स्थान सुबह से शाम तक खुला रहता है और इस स्थान को घूमने में आपको आधा से पौन घंटे का समय लगेगा। ये नूरजहाँ के जो पिता थे, यानी कि शाहजहाँ के जो ससुर यानी कि फादर इन लॉ, उनका मकबरा है, जो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑटो रिक्शा। तो अब बात करते हैं आगरा घूमने में आपको कितने दिन का समय लगेगा और कितने बजट की आपको आवश्यकता होगी। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेन जगह जैसे कि ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी अगर देखना चाहते हैं, तो ये एक दिन में आप आसानी से कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाकी सारी जगह भी देखना चाहते हैं और आराम से देखना चाहते हैं, तो आपको लगभग 2 दिन का समय लगेगा। अब बात करते हैं बजट की। अगर आप यहाँ पर एक दिन स्टे करते हैं तो लगभग 500 से 1000 रुपये का एक होटल रूम का खर्चा आपका लगेगा। 500 रुपये से लेकर 600 रुपये आपका खाने पीने का लगेगा। और आपका ट्रांसपोर्ट जो खर्चा है, जैसे कि आप ऑटो से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो 500 से 600 के अंदर आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा। और साथ ही आपके टिकट भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि टिकट ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर 50 रुपीज़ का टिकट है। अगर आप ताजमहल के ऊपर नहीं जाते हैं, जिसका एडिशनल 200 रुपीज़ चार्ज है, तो आप 50 रुपीज़ के अंदर ही ताजमहल देख सकते हैं। तो अगर ये सारे खर्चे जोड़ लिए जाएँ, तो एक व्यक्ति का लगभग 2000 से 2500 रुपये आगरा घूमने का कॉस्ट लगेगा। और इसे ज़्यादा भी खींच लिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 3000 रुपये पर व्यक्ति का खर्चा आपको आगरा टूर के दौरान लगेगा। और खास कर ध्यान रखें कि आगरा में आप शुक्रवार यानी कि फ्राइडे के दिन घूमने का प्लान न बनाएं, क्योंकि आगरा में अधिकतर स्थान शुक्रवार यानी कि फ्राइडे के दिन बंद रहते हैं। इसी के साथ अगर आप ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी को कंप्लीट डिटेल के साथ देखना चाहते हैं, पूरे इतिहास को जानना चाहते हैं, तो इन सभी के ऊपर हमने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, जिसके लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें। तो ये हैं आगरा की सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस, जिन्हें आपको यहाँ पर ज़रूर विजिट करना चाहिए। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।